हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्राइंग सपोर्ट चैनल। आज हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय द मार्जिन फ्रॉम द एजेस ऑफ द ट्रिम्ड साइज ऑफ सीट। ये देखिए, ये एक ड्राइंग सीट है। ये ड्राइंग सीट का मार्जिन के द्वारा ये जो स्पेस इनक्लोज्ड किया जाता है, मान लो ये मार्जिन है, ये मार्जिन के द्वारा ये जो ड्राइंग का एज है, ड्राइंग सीट का ये जो एज है, एज से ये जो स्पेस इनक्लोज्ड किया जाता है, इसका नाम क्या है? ये है बॉर्डर। ये है बॉर्डर। देखिए, ऑप्शन है बॉर्डर, लेआउट, बाउंड्री, फोल्डिंग मार्क। तो ये आंसर होगा बॉर्डर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेस, ये जो पेस इनक्लोज्ड किया गया है मार्जिन के द्वारा फ्रॉम द एज, ये ड्राइंग सीट का एज से ये मार्जिन के द्वारा ये जो स्पेस इनक्लोज्ड किया गया है, इसको कहा जाता है बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मिनिमम विड्थ ऑफ बॉर्डर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ A0 एंड A1 ड्राइंग सीट। A0 एंड A1 ड्राइंग सीट के लिए लेफ्ट साइड पे बॉर्डर का मेजरमेंट क्या है, बॉर्डर का विड्थ कितना है, बॉर्डर का चौड़ाई कितना है? 26 mm, 24 mm, 22 mm, 20 mm। तो देखिए, ड्राइंग सीट का जो मेजरमेंट होता है, कितने टाइप का ड्राइंग सीट होता है? तो देखिए, ड्राइंग सीट को डिजिग्नेशन किया जाता है, ये ड्राइंग सीट का डिजिग्नेशन है, ड्राइंग सीट का डिजिग्नेशन है A0, A1, A2, A3, A4, ऐसे ड्राइंग सीट को डिजिग्नेशन किया जाता है। तो A0 का मेजरमेंट है 841 mm इंटू 1189 mm। ये जो मेजरमेंट है, ये mm, ऑल डायमेंशन आर mm, ठीक है। एंड नेक्स्ट A1 का मेजरमेंट है 594 इंटू 841। एंड A2 जो सीट है, इसका मेजरमेंट है 420 इंटू 594। एंड A3 जो ड्राइंग सीट है, इसका मेजरमेंट है 297 इंटू 420। एंड A4 जो ड्राइंग पेपर है, इसका मेजरमेंट है 210 इंटू 297, ठीक है। तो ये जो A0 एंड A1 ड्राइंग सीट, A0 एंड A1 ड्राइंग सीट के लिए जो लेफ्ट साइड पे जो बॉर्डर दिया जाता है, इसका मेजरमेंट कितना है? तो देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये ड्राइंग सीट, इसका लेफ्ट साइड पे जो बॉर्डर दिया जाता है, इसका मेजरमेंट है A1, एंड ये बॉर्डर है, ये ड्राइंग सीट का ये एज से ये मार्जिन, ये जो मार्जिन है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस को बॉर्डर कहा जाता है, ये पहले क्वेश्चन पे देखा था। एंड A0 एंड A1 जो ड्राइंग सीट का, इसके लिए 20 mm बॉर्डर साइज रखा जाता है, ठीक है। बॉर्डर का जो विड्थ होता है, वो है 20 mm। तो देखिए, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम विड्थ ऑफ बॉर्डर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ A2, A3, A4 एंड A5 ड्राइंग सीट। A0 एंड A1 के लिए लेफ्ट साइड पे जो बॉर्डर दिया जाता है, उसका विड्थ है 20 mm। बट A2, A3, A4 एंड A5, ये जो ड्राइंग सीट है, इसके लिए लेफ्ट साइड पे बॉर्डर कितना दिया जाता है? तो देखिए, 8 mm, 12 mm, 10 mm या 14 mm। तो इसका राइट आंसर होगा 10 mm। A0 एंड A1 के लिए 20 mm,
एंड ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव। बाकी जो ड्राइंग शीट है उसके लिए लेफ्ट साइड पे 10 mm बॉर्डर का विड्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड किया जाता है उसका नेम क्या है? टी स्क्वायर, कॉम्पास, प्रोटेक्टर या सेट स्क्वायर। तो एंगल मेजरमेंट एंड एंगल कंस्ट्रक्शन, ये एंगल मेजरमेंट एंड एंगल कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोटेक्टर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका नेमिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये होगा वर्टिकल लाइन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगा ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। एक स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है एंड वर्टिकल भी नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं है एंड ये वर्टिकल भी नहीं है। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, तो वो क्या हो सकता है? ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, बट एक स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है, तो ये लाइन हो सकता है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है एक, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन तो नहीं होगा, पैरेलल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो कर्व्ड लाइन कैसा होता है? तो ये है कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो ये कर्व लाइन तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पहले ही बोल दिया है, स्ट्रेट लाइन दैट इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, तो ये लाइन हो सकता है। तो ये लाइन को क्या कहा जाता है? ये लाइन को कहा जाता है इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन और ऑब्लिक लाइन। इंक्लाइंड लाइन और ऑब्लिक लाइन, ठीक है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइंस विथ सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट मीट व्हाइल एक्सटेंडेड। ये लाइन का नाम क्या है जो कि दोनों, ये ड्राइंग दिखाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइंस विथ सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, ये एक लाइन है, ऐसे लाइंस है, तो ये लाइन के साथ ये लाइन का जो डिस्टेंस है इधर भी सेम डिस्टेंस है एंड ये लाइन के साथ ये भी ऐसे सेम डिस्टेंस है, पूरा सेम डिस्टेंस है, ठीक है। सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट मीट व्हाइल एक्सटेंडेड। ये लाइन को, ये मान लो ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, इधर से भी एक्सटेंड कर दूं और इसको भी एक्सटेंड कर दूं,
एंड इसको भी एक्सटेंड किया तो ये कभी भी मीट नहीं करेगा, मतलब एक लाइन के साथ एक लाइन के साथ एक लाइन कभी भी क्रॉस नहीं होगा। तो ये लाइन को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइन्स विथ सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट मीट व्हाइल एक्सटेंडेड। लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो कभी भी एक के साथ एक लाइन के साथ एक लाइन कभी भी मीट नहीं करेगा, तो वो होगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ थिन कंटिन्यूअस लाइन टर्मिनेटेड एट एंड्स बाय एरो हेड्स डॉट्स और ऑब्लिक लाइन टचिंग द एक्सटेंशन लाइन। तो देखिए मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक फिगर है, तो इसका जो डायमेंशन दिया जाता है, मान लो इसका डायमेंशन ऐसे दिया जाता है, ठीक है, तो ये लाइन को कहा जाता है डायमेंशन लाइन एंड ये जो लाइन है ये लाइन को कहा जाता है, जो लाइन ये ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये लाइन को कहा जाता है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। एंड ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है, ये तो कॉन्टिन्यूस थिक लाइन से ड्रॉ किया जाता है, एंड ये डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन ये सभी लाइन कॉन्टिन्यूस थिन लाइन से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ थिन कॉन्टिन्यूस लाइन टर्मिनेटेड एट एंड्स बाय एरो हेड। कॉन्टिन्यूस थिन लाइन टर्मिनेटेड मतलब ख़त्म हो रहा है किसके द्वारा, एरो हेड के द्वारा या तो डॉट्स के द्वारा या तो ऑब्लिक लाइन के द्वारा, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस थिन लाइन टर्मिनेटेड हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है एरो हेड्स के द्वारा या तो डॉट के द्वारा या तो ऑब्लिक लाइन के द्वारा, ठीक है। ऐसे एक कॉन्टिन्यूस थिन लाइन ख़त्म हो रहा है, टचिंग द एक्सटेंशन लाइन ख़त्म हो रहा है एंड एक्सटेंशन लाइन को टच कर रहा है। देखिए ये एक्सटेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन को टच कर रहा है, तो देखिए ये एक्सटेंशन लाइन है, तो ये एक्सटेंशन लाइन को टच कर रहा है एंड एरोहेड के द्वारा ख़त्म हो रहा है, तो ये लाइन को पूछा है ये लाइन का नेम क्या है, तो ये होगा डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो आंसर होगा लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, टर्मिनेशन लाइन, तो ये होगा डायमेंशन लाइन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थिन लाइन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फीचर्स एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। तो अभी मैंने समझाया है आपको, तो देखिए वो लाइन का नाम क्या है जो लाइन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फीचर्स मतलब मैं इधर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या तो प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द इमेज ऐसे भी कहा जाता है। तो देखिए एक लाइन प्रोजेक्टिंग हो रहा है कहाँ से, ये जो फीचर्स हैं ये फीचर्स का डायमेंशन देने के लिए या फीचर्स का ये जो फीचर्स हैं ये फीचर्स से प्रोजेक्टिंग हो रहा है, ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। तो ये कहाँ तक प्रोजेक्ट होगा, जिधर डायमेंशन लाइन होगा, ये डायमेंशन लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन फीचर्स से, ये जो फीचर्स है ये फीचर्स से प्रोजेक्ट हो रहा है एंड ये डायमेंशन देने के लिए ये
मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये लाइन को कौन सी नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये इसका नेमिंग होगा एक्सटेंशन लाइन। मैंने अगला क्वेश्चन में समझाया था आपको, ये एक्सटेंशन लाइन है एंड ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है? तो देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थिन लाइन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फीचर्स एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? डायमेंशन लाइन तक एक्सटेंड हो रहा है। तो इसका इसको कौन सी नाम से जाना जाता है? लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, टर्मिनेशन लाइन। तो इसका आंसर होगा एक्सटेंशन लाइन, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, लीडर लाइन किसको कहा जाता है? तो देखिए, ये मान लो ये एक सर्कल है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये है सर्कल, ये है सर्कल, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये कॉन्टिन्यूस थिन लाइन से ड्रॉ किया जाता है, ये है लीडर लाइन। ये जो लाइन है ये है लीडर लाइन, ये है लीडर लाइन, ठीक है? लीडर लाइन मतलब एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ये लीडर लाइन के द्वारा ऑब्जेक्ट का किसी भी फीचर्स को इंडिकेट किया जाता है, तो ये है लीडर लाइन, ठीक है? और एक्सटेंशन लाइन क्या है एंड डायमेंशन लाइन क्या है, ये तो आप लोगों को पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर, मतलब चतुर्भुज। ये है क्वाड्रिलेटरल, मतलब फोर साइडेड फिगर। ये फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर विथ फोर साइड्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स इक्वल है एंड फोर एंगल्स आर राइट एंगल, एंड फोर एंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तो देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक चतुर्भुज है, इसका फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स का लेंथ इक्वल है एंड ये जो फोर एंगल है, ये फोर एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो ये फिगर को कौन सी नाम से जाना जाता है? तो देखिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजॉइड, रम्बस। तो ये होगा स्क्वायर, ठीक है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।